अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, दुआओं में याद रखा करें, बहुत सी दुआएं होती हैं आप सब बहन भाइयों के लिए। तो ओके, आज आपसे ये बात शेयर करनी है कि एक्चुअली आपने ये देखा है कि बच्चे छोटे होते हैं, वालदैन उनकी स्टडी के लिए उनके स्कूल अच्छे से अच्छे देखते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज उनके अच्छे देखेंगे, उनके फ्यूचर के बारे में बेहतर से बेहतर सोचते हैं, मतलब महंगे से महंगा देखेंगे कि स्कूल हो जहाँ बच्चे की अच्छी अच्छा फ्यूचर हो सके और अच्छी स्टडी कर सके, अच्छा माहौल हो, और उसके लिए फिर वो अच्छे से अच्छा बच्चों के लिए सब सोचते हैं करते हैं, और इस तरह से बच्चों की यहाँ स्टडी जो है वो पूरी हो जाती है, और इसके बाद वो कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ वे जाके वो पढ़े, इतना अच्छा वो उनके लिए सोचते हैं, और इस सोच के लिए वो अपनी पर अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं, अपनी ज़रूरतों को छोड़ देते हैं, जैसे कि वो किसी बहन भाई की हेल्प करते हैं, समझते हैं ये करके उन्हें खुशी मिलती है, उनके बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा आ रहा है तो वहाँ पे कमी हो जाएगी, तो वो छोड़ देते हैं, बच्चों का फ्यूचर सोचते हैं और अपनी ज़रूरतें, जब उन्हें कोई चीज़ ज़रूरत है और चाहिए भी लाजमी, तो वो लाजमी या अपनी ज़रूरत को छोड़ देंगे, अपने बच्चों का फ्यूचर उनकी पढ़ाई के लिए वो अपनी ज़रूरत को भी भूल जाते हैं, अपनी मेडिसिन भूल जाते हैं, अपनी टेंशनें सब जो होती हैं वो वालदैन को होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो करते हैं, चाहे बेटियां हों बेटे हों, उनमें फ़र्क नहीं रखते, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे एक अच्छी बेस पे जाएं, एक अच्छे स्टेप पे जाएं, एक अच्छे ओहदे पे जाएं, जहां जाके वो अपना नाम बना सकें, और वालदैन को क्या होता है, उनके नाम ऊपर होने से उन्हें खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि आज हमारे बच्चे इस काबिल हो गए हैं, चाहे वो बेटी या बेटा अपने पाँव पर खड़े हो गए, अपनी हर परेशानी का सामना कर सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर वो इतने हुए तो हमारा भी ख्याल रखेंगे, नहीं तो अपनी ज़रूरतों को तो संभाल सकेंगे। वालदैन को इस चीज़ की खुशी होती है, इसलिए वो उनके लिए अच्छा से अच्छा सोचते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, देखें कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो देखते हैं हमारे वालदैन ने हमारे पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, हमें अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ा है, और हमारे यहाँ पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हमें आउट ऑफ भेजा है, वहाँ पे हम पढ़ के आए हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो उस हिसाब से सोचते हैं, वो दी हुई वालदैन की हर एक बात, हर एक इज्जत, हर एक चीज़ की कदर करते हैं, और वो फिर लाइफ में कुछ बनते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये देखते हैं कि वालदैन सब कुछ, अपनी ज़रूरतें सब कुछ छोड़ के भी हम पे खर्च कर रहे हैं, फिर भी वो बच्चे क्या करते हैं, वो उस माहौल में तो होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन दिल लगा के नहीं पढ़ रहे होते, बस ये समझे कि वो ज़रूरत समझ के पढ़ रहे होते हैं, और बस ना कुछ इतना ख़ास पढ़ सकते हैं और ना कुछ, और जब उन्हें किसी कोई काम करना होता है या किसी ऐसे काम के लिए उन्हें बोला जाता है, तो बस वो वहाँ आके ये कह देते हैं कि हम लोग अब आगे जॉब करेंगे, यहाँ जाके करेंगे, मतलब आउट ऑफ जाके करेंगे, यहाँ करनी पड़ेगी। तो वो फिर क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए वालदैन को परेशान करते हैं, उनकी इतनी की हुई मेहनत को वो ऐसे ज़ाया कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी कि बच्चे इस तरह से भी करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे वालदैन ने हम पे इतना खर्च किया, क्यों? क्योंकि हम कुछ बन सके, अपनी ज़रूरतों को छोड़ दिया, तो वो उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए ना आपसे, बस उन्हें ये चाहिए कि आप एक अच्छी जगह पे हों जहाँ वो देखें और उन्हें सुकून मिले कि आज आप अपने पाँव पे खड़े हो गए। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि ठीक है, हम लोग उनके लिए इतने ख़ास हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरतें सब कुछ छोड़ दिया, तो आज हम अगर आगे नहीं भी बढ़ते तो भी वालदैन अपनी ज़रूरतों को छोड़ के हम भी आगे भी खर्च करते रहेंगे। तो प्लीज़ जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुन रहे हैं, जो मेरी बहनें ऐसा सोचते हैं करते हैं, जो मेरे भाई ऐसा सोचते हैं करते हैं, वालदैन की दी हुई इज्जत को, दिए हुए प्यार को, दिए हुए वक्त को, दी हुई चीज़ को ज़ाया कर देते हैं, नहीं समझते, तो प्लीज़ आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी, ये वक्त और ये चीज़ें, ये बातें सब कुछ अपने पास सेफ रखें और इस पर अमल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, आपका फ्यूचर हमेशा बहुत अच्छे से अच्छा बनेगा और आगे जाएगा, आपको भी दिखेगा, आपको सब बोलेंगे भी, बस आप अपने वालदैन की हुई बातों पे अमल किया करें, तो उनके दिए हुए वक्त को, दी हुई चीज़ को ज़ाया ना किया करें। तो आप कुछ बनने की कोशिश करें, बस आपने कोशिश करनी है, उसमें कामयाब आपको आपके अल्लाह ताला करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके वालदैन की दुआएँ होती हैं उसमें, और वालदैन की दुआएँ तो अल्लाह जी सुनते हैं, तो इसलिए
जो जो मेरे बहन भाई जहाँ जहाँ से मुझे देख सुने, आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ अगर आपने मेरी बात को समझा है तो इस पर अमल करिएगा। अमल करेंगे तो मेरे लिए सबका जारिया बनेगा, और अगर आपकी बात पर कोई करेगा तो आपके लिए। तो उम्मीद करूँगी आपने मेरी बात को समझा होगा। आपने दिए हुए वक्त को, वालदैन के दिए हुए वक्त को, दी हुई चीज़ को, की हुई बात को, हर एक चीज़ को समझना है, अपने पास सेफ रखना है और उस पर अमल करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आपका फ्यूचर बन के ही रहेगा किसी भी हाल पे। और अगर आप उनकी दी हुई दिए हुए वक्त की कदर नहीं करते, उसे ज़ाया कर देते हैं, तो फिर आप ये सोचें भी ना कि कभी आप लाइफ में कितनी भी मेहनत क्यों ना कर सकें, आप जाके कुछ बन सकेंगे, कभी भी नहीं। वालदैन की दुआएं लेनी चाहिए और वो जो बात करें उस पे अमल करके आगे चलना चाहिए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट ही होगा। कभी भी ये नहीं सोचें कि आप किसी बात के लिए रह जाएंगे, कभी भी नहीं। आपके अल्लाह हर बात में आपको आगे से आगे रखेंगे, आगे से आगे निकालेंगे, कामयाबी आपको मिलती रहेगी। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।